तो भाई लोग, लोकी सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर देखने के बाद जो गूजबम्स मिले हैं, ये गूजबम्स मैंने जब इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर देखा था उस टाइम आया था। तो चलो फटाफट इसका ब्रेकडाउन करते हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि मोबियस लोकी को ओबी के पास लेकर जाता है। ओबी के कैरेक्टर में क्वान ओवेन भी अब मार्वल में डेब्यू कर रहे हैं। अगर तुम सभी को नहीं पता कि ओबी कौन है, तो ओबी टीवीए का आर्कियोलॉजिस्ट है। जैसा कि लोकी सीजन 1 में हमें टीवीए के हिस्ट्री के बारे में बताया गया था, तो इनका भी इंतजाम उन्हीं लोगों ने किया होगा। ये तो हमें 6 अक्टूबर को फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। तो अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। लोकी टाइम में पुल्ड हो रहा है। जैसा कि पहले सीजन में लोकी रियलिटी में ग्लिच कर रहा था, अब वो टाइम में आगे पीछे जा रहा है, या यूं कह लूं कि टाइम स्लिपिंग हो रहा है। बट ओबीए के मुताबिक टीवीए में टाइम स्लिपिंग नामुमकिन है। वो सब टाइम के पड़े हैं और उन सब पर इनका कोई असर नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है कि लोकी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, क्योंकि लोकी सीजन 1 में सिल्वी ने तो ही ह्यू रिमेंस को मार डाला था। बट अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो ही ह्यू रिमेंस मरने से पहले अपने एक वेरिएंट के बारे में बताता है, और वो कहता है कि टीवीए से पहले उसका एक वेरिएंट अर्थ पर 31st सेंचुरी में रहता था, और ये भी बताता है कि वो एक साइंटिस्ट था और जिसे हमने एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, विक्टर टाइमली, जो अपने एक टेक को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और इसमें जो लोकी के चेहरे पर खौफ है, वो तुम्हें आने वाली खतरे के बारे में बताती है। आई थिंक लोकी अपने टाइम स्लिपिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते 31st सेंचुरी में चला जाता है, जहां पर वो विक्टर टाइमली को देखता है, जहां इधर उसने सिल्वी के साथ मिलकर ही हू रिमेंस को मार डाला। और वापस टीवीए में आने के बाद कैंग की इतनी बड़ी बड़ी स्टैचू देखने के बाद, जब वो कैंग को 31st सेंचुरी में देखेगा, तब तो खौफ खाना लाजमी सा हो जाता है। लोकी अपने टाइम स्लिपिंग में एमसीयू के और भी टाइमलाइन को देखेगा जो बर्बाद हो रही है, और वो उसे ठीक करने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि इन सब का जिम्मेदार वह कहीं ना कहीं खुद को और सिल्वी को मानता है। और दूसरा रीजन कि वह अब मल्टीवर्स में रहता है और यहाँ अगर जीना है तो उसे ठीक करना पड़ेगा, और वह ये सब अकेला नहीं कर सकता, उसमें उसे मोबियस, ओबी, सिल्वी सभी की मदद चाहिए। जहाँ इस सीन में सिल्वी और लोकी एक साथ मिलकर फाइट कर रहे हैं, क्योंकि लोकी टाइम स्लिपिंग के कारण फ्यूचर में जाकर बहुत कुछ देख चुका है। जहाँ वह कहता भी है, जो मैंने देखा अगर वो सच है तो दुनिया का बचना नामुमकिन है। अगर तुमने ट्रेलर में नोटिस किया होगा तो ट्रेलर में तुम्हें दो लोकी देखने को मिला होगा, एक फ्यूचर वाला जो बुक पढ़ रहा होता है, और एक पास्ट से टाइम स्लिपिंग के कारण फ्यूचर में आ जाता है। और तुमने एक चीज और नोटिस की होगी, ट्रेलर में ये पार्टी वाला सीन जहां पर ब्रेड वुल्फ नाम के एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ट्रेलर में मोबियस और लोकी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन सभी के बीच फाइट भी होता है। कॉमिक्स की बात करें तो ये कॉमिक्स में एक एक्टर रहता है, और यहाँ पर भी उसे एक्टर के रूप में दिखाया गया है। कॉमिक्स में ये एक सीरियल मर्डर का रोल करता है और बाद में वो बन भी जाता है। ट्रेलर में ये जैनिक, ये नाम उसी का रहता है, और ट्रेलर के एक सीन में हम देखते हैं कि इसे पकड़कर टाइम जोन के अंदर बंद कर देते हैं। और ट्रेलर में हमें मिस मिनट्स भी देखने को मिला, जो अपने जेंट फॉर्म में है और बहुत ज्यादा गुस्से में भी है, और टीवीए कोलैप्स होते हुए भी नजर आ रहा है। और इस सीन में जहां लोकी, सिल्वी और मोबियस टीवीए के सिक्योरिटी से फाइट कर रहा है, बट यहां एक सवाल उठता है, अगर ही ह्यू रिमेंस के मरने के बाद अगर टीवीए का कोई माँ बाप नहीं बचा, तो ये सारा का सारा चक्कर चला कौन रहा है? क्योंकि टीवीए अपनी प्रॉब्लम्स में एक तरफ जूझ रहा है, टीवीए में टाइम स्लिपिंग चल रहा है जो वहाँ पर नामुमकिन है, टीवीए कोलैप्स करने वाला है, और लोकी उन सभी को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ, वो मल्टीवर्स में रहता है, घर है वह उसका। ट्रेलर के एक सीन में मोबियस सूट अप करके स्पेस में मल्टीवर्स को ठीक करने के लिए भी जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस सब के पीछे कैंग तो है ही, बट अगर कैंग है तो वह टीवीए को बर्बाद करना क्यों चाहता है? वह अपने ही क्रिएशन को बर्बाद करने पर क्यों तुला हुआ है? अब यह सब तो हमें 6 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तुम एमसीयू में किसी और को इग्नोर कर सकते हो, बट लोकी को नहीं। लोकी का क्या खतरनाक डेवलपमेंट किया गया है। जहां 2012 की द एवेंजर्स में लोकी हल्क के हाथों कुत्ते की तरह पिट रहा था, वहीं अब वो मल्टीवर्स में जज कर रहा है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। थ्रिलर और मिस्ट्री से भरा होने वाला है लोकी सीजन 2, और ऊपर से वो हॉरर टोन। खैर, तुम सबको कैसा लगा ट्रेलर कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।